hello everyone so in today's lecture we are going to discuss only one topic which is a major vast topic as well as important topic for your theoretical purpose mcq purpose and information purpose also now how information purpose so this is the topic human genome project short gp so here this is the इन इट्स सेल्फ अ हिस्टोरिकल प्रोजेक्ट जो कि है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जहाँ से पूरे ह्यूमन के जीनोम के बारे में पता चला इट वॉज अ वेरी बिग वी कैन से मेगा प्रोजेक्ट एंड ऑल्सो इन्फॉर्मेटिव एंड बिकॉज ऑफ दिस प्रोजेक्ट ओनली मैनी अदर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज एट वो आगे बढ़ाया उन्होंने ठीक है जैसे कि हम आगे बात करेंगे डिटेल में अभी के लिए जस्ट इतना समझ लो कि एक बहुत ही बड़ा वास्ट मेगा प्रोजेक्ट था एंड बिकॉज ऑफ दिस प्रोजेक्ट बहुत सारी अलग अलग ब्रांचेस जैसे कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स फिर इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग इन सब में भी बहुत सारे चेंजेस आए और नया नया डेवलपमेंट हुआ एडवांस टेक्नोलॉजी है वो डेवलप हुई ठीक है अब कैसे तो देखते हैं हम ये पूरा टॉपिक है वो दो पार्ट में देखेंगे पार्ट वन फॉर टुडे लेक्चर क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है तो एक साथ कवर एक लेक्चर में नहीं हो सकता अदरवाइज लेक्चर है वो बहुत बड़ा हो जाएगा एंड अनदर थिंग है आपको थियोरिटिकल कैसे पूछा जा सकता है तो ओबीसी बड़ा टॉपिक है तो आपको फुल ले क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है अदरवाइज क्योंकि ये बड़ा एस सच बहुत ही बड़ा टॉपिक है तो मान लो अगर वो पूरा एक साथ नहीं पूछते हैं जैसे कि एक्सप्लेन द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ऐसे ही पूरा टॉपिक नहीं पूछा गया तो किस तरह से पूछा जाएगा तो ये आपको थ्री मार्क और टू मार्क में इसके जो सब टॉपिक्स है उसको ही सिर्फ पूछेंगे ठीक है सो दैट यू विल गेट टू नो जैसे कि हम आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से पूछा जा सकता है सो लेट्स स्टार्ट विथ दिस टॉपिक सो फर्स्ट ऑफ ऑल वट आर द सब टॉपिक्स ऑफ दिस टॉपिक सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस इंट्रोडक्शन सेकेंड द गोल्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ये क्यों प्रोजेक्ट है वो बनाया गया किसको बनाने की जरूरत क्या थी ठीक है थर्ड है तो तो उसमें दो मेथड इधर डिस्क्राइब की गई है आपको टेक्स्ट बुक में तो यानी कि किस तरह से इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया गया उसमें कौन कौन सी टेक्निक्स यूज हुई इन रियलिटी देर आर मेरी टेक्निक यूज बट आपको जो टेक्स्ट बुक में डिटेल दी गई है पहले थियोरिटिकल हम वही देखेंगे तो उसमें मेनली मेजरली दो दी गई है आपको देन फोर्थ है एप्लीकेशन ऑफ द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट यानी यूसेज कहाँ पे ये प्रोजेक्ट चलो ठीक है कंप्लीट हो गया हमें पता चल गया पर इसका यूसेज क्या है एप्लीकेशन क्या है ठीक है तो वो देखेंगे एंड द लास्ट सलैंड फीचर्स यानी स्पेशल फीचर्स कि इस प्रोजेक्ट के कौन कौन से थे कि साइंटिस्ट को आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट क्या क्या ऐसा कुछ यूनिक देखने को मिला तो उस फीचर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे ठीक है सो ऑल दिस फाइव टॉपिक्स वी आर गोइंग टू डिवाइड इन टू पार्ट

ambitious project of sequencing human genome was launched in the year 1990 याद रखना है आपको ye के लिए कब शुरू हुआ था ये ye project 1990 में और ये project है क्या तो कि हमारा जो पूरा डीएनए अभी हमको पता है कि इस तरह से इतनी न्यूक्लियोटाइड है इतने जीन्स है ये सिक्वेंस है ना पर जब ये नहीं पता था तब की बात है जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था कि पूरा डी एक प्रोजेक्ट के थ्रू चेक करना था ह्यूमन की बात हो रही थी राइट ह्यूमन जीनम सो हमारे सेल का जो पूरा डीएनए है स्टार्टिंग टू एंड तक ठीक है उसके सीक्वेंस कैसी है उसमें टोटल कितने जीन्स प्रेजेंट है एंड आर द फंक्शंस ऑफ दैट जीन्स तो ये सब चीज़ें पता करने के लिए कंबाइन कंप्लीट बड़ा प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट किया गया वर्ल्ड वाइड ठीक है ये प्रोजेक्ट को एक कंट्री ने नहीं शुरू किया था और ना ही ख़त्म किया है इसमें बहुत सारे कंट्रीज़ जो कि डेवलप्ड कंट्रीज है उन सब ने अपना सहयोग दिया है उनके साइंटिस्ट ने काम किया है और अल्टीमेटली सारी इंफॉर्मेशन गैदर करके पूरा डेटाबेस बनाया गया है ठीक है तो इस तरह से ये पूरा प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हुआ था सो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड मेगा प्रोजेक्ट राइट इट इज नॉट अ स्मॉल प्रोजेक्ट और इवन द अमाउंट इज ऑल्सो ह्यूज द पीपल विच आर इन्वॉल्व इन दिस दैट आर इन अ मेनी नंबर एंड ऑल्सो दिस कंटेंट्स अ वेरी लार्ज डेटा ठीक है तो देखते हैं हम इंट्रोडक्टरी पार्ट यू कैन इमेजिन द मैग्नीट्यूड एंड द रिक्वायरमेंट्स फॉर द प्रोजेक्ट इफ वी

पहले तो यही अंदाजा लगा सकते हो कितनी सारी न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है ठीक है अब इफ वी थिंक द कॉस्ट देन इफ द कॉस्ट ऑफ सिक्वेंसिंग रिक्वायर्ड इज थ्री यूएस डॉलर पर बेस पे तो मान लो भी सिक्वेंसिंग करने के लिए यानी अभी हमें पता है ना उस टाइम पे तो पता नहीं था कि डीएनए की शुरुआत में से मतलब किस तरह से सीक्वेंस है ए टी जी सी जी जी सी सी इस तरह से कौन सी सीक्वेंस है ये नहीं पता था इतना पता था कि फोर न्यूक्लियोटाइड है पर वो किस तरह से अरेंज हुई है ये पता करना था क्योंकि तभी पता चलेगा कि जीन से उसमें कितनी न्यूक्लियोटाइड है राइट तो ये मान लो कि एक पेयर को पता करने के लिए जो भी टेक्निक यूज होती है केमिकल यूज होते हैं है, है ना इलेक्ट्रिसिटी वॉट एवर ये जितनी भी चीजें यूज हो रही तो हम एक अप्रोक्स अंदाज लगाए अगर कि एक न्यूक्लियोटाइड को इस तरह से चेक करने के लिए कि वो कौन सी न्यूक्लियोटाइड है मान लो थ्री यूएस डॉलर का खर्चा हो रहा है ठीक है पर बेस पे सो अभी हमने बात की जस्ट ना कि टोटल बेस पेर कितनी है थ्री इंटू टेन टू नाइन इतनी ज्यादा बेस पेर है तो एक तरह से हम एस्टिमेट कर सकते हैं कॉस्ट का सो द टोटल एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट वुड बी अप्रोक्सीमेटली नाइन बिलियन यूएस डॉलर है ना तो इतना ह्यूज अमाउंट है वो इस प्रोजेक्ट में लगेगा दैट इज अप्रोक्स राइट इससे भी कहीं ज्यादा गुना था क्योंकि जितने भी साइंटिस्ट वगैरह काम करें उन सबकी सैलरीज से लेके बहुत कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल खर्चा तो हो ही हो होता ही है है ना कुछ बिगड़ गया कुछ सोल्यूशन है वो खराब हो गए देट आर ऑल्सो एक्सपेंसिव वन इंस्ट्रूमेंटेशंस है तो वो खराब हो गए कुछ भी सो दिस इज अबाउट मनी राइट कि इतना खर्चा हुआ देट इज माई ऑल्सो इट इज़ अ मेगा प्रोजेक्ट नेक्स्ट थिंग अब इसकी जो इन्फॉर्मेशन है न्यूक्लियो की उसके बारे में अगर हम पता करें देन फर्दर इफ द ऑप्टिट सिक्वेंसिस यानी जो फिर हमें पता चली कि डी एन ए में इतनी सीक्वेंस होती है यानी एटीजीसी एटी जीसी करके इस तरह से कुछ सीक्वेंस sequence है सीक्वेंसेस वेर टू बी स्टोर्ड इन टाइप फॉर्म इन बुक्स अगर हम जो सीक्वेंस पता चली उसको हम बुक्स में लिखने जाए कि लाइन बाई लाइन किस तरह से वो सीक्वेंस है देन इफ ईच पेज ऑफ द बुक कंटेन थाउजेंड लेटर्स एंड Each book contain thousand pages. Then total 3, such books would be required to store the information of DNA sequence from a single human cell. तो ये क्या बात है कि अगर हम ये जो सीक्वेंस पता चली इस प्रोजेक्ट के थ्रू डीएनए की कंप्लीट sequence उसको अगर हम लिखने जाए कि ये कितनी बड़ी sequence है तो कैसे होगा कि एक पेज में थाउजेंड हम वर्ड्स लिखे यानी थाउजेंड लेटर्स लिखे न्यूक्लियोटाइड के टी जी सी करके थाउजेंड तो ऐसे एक बुक में थाउजेंड हो इस तरह की टोटल थ्री थाउजेंड थ्री हंड्रेड बुक्स अगर हो तो भी कम पड़े इतनी सारी इंफॉर्मेशन है यानी इतनी लंबी न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है डीएनए ठीक है तो उस हिसाब से भी अभी आप पता कर सकते हो कि ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट था और हमारा डीएनए कितना बड़ा है जिसमें कितनी बड़ी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है राइट सो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वॉज क्लोजली एसोसिएटेड विद द रेपिड डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू एरिया इन बायोलॉजी कॉल्ड एज बायो इन्फॉर्मेटिक्स तो अभी इतनी सारी इन्फॉर्मेशन को गैदर करने के लिए जो एक नई ब्रांच है वो डेवलप हुई बायोलॉजिकल साइंसेस में वो है बायो इन्फॉर्मेटिक्स बायो इन्फोजिसे बोलते हैं अब ये क्या है सो so, ये कंप्यूटर बेस्ड ब्रांच है जैसे कि इंजीनियरिंग वगैरह में कंप्यूटर इंजीनियरिंग वगैरह में होता है कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग होता है राइट सेम वे बायो इन्फॉर्मेटिक्स हमारा बायोलॉजिकल कंप्यूटर बेस्ड स्टडी है कि जिसमें डेटा प्रोग्रामिंग बट बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारे इसमें स्टडी किए जाते हैं जैसे कि अभी इतनी सारी इंफॉर्मेशन है तो बुक में लिखने जाएंगे तो इट इज नॉट कन्वीनियंट राइट इतनी लंबी न्यूक्लियोटाइड हम बुक्स वगैरह में नहीं लिख सकते क्योंकि जब भी किसी को भी एक्सेस करना है तो वो कैसे करेगा क्योंकि ये तो वर्ल्ड वाइड प्रोजेक्ट है अभी मान लो इंडिया में रिसर्च हुआ है अमेरिका में जाके किसी को ये सिक्वेंस देखनी है तो वो बुक में से कैसे देखेंगे है ना सो देर मस्ट बी सम कॉमन एक्सेस तो वो है डेटाबेस तो ये सारी इन्फॉर्मेशन डेटा में स्टोर की गई जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड में से कहीं से भी कोई भी पर्सन है वो ये इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर पाए और उसको यूज कर पाए ओबियसली क्योंकि कितना खर्चा किया है तो वो काम तो आनी चाहिए इन्फॉर्मेशन राइट सो दैट इज वाई द बायो इन्फॉर्मेटिक बायो इन्फॉर्मेटिक्स ये जो ब्रांच है उसका डेवलपमेंट हुआ बिकॉज ऑफ दिस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वो थी पहले भी पर आफ्टर दिस प्रोजेक्ट उसका कुछ ज्यादा ही डेवलपमेंट एंड यूज हुआ ठीक है सो

अगर बड़ा क्वेश्चन आपको पूछते हैं डायरेक्टली विद द टॉपिक नेम एक्सप्लेन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट तो आपको सारे हेडिंग है उसके अंदर थोड़ा थोड़ा तो लिखना ही पड़ेगा आप कोई भी हेडिंग है वो कट नहीं कर सकते हो बट उसके अंदर का कंटेंट है वो थोड़ा मिनिमाइज कर सकते हो बिकॉज ऑफ द लेंथ ऑफ द टॉपिक ठीक है सो अकॉर्डिंग टू द मार्क्स यू पीपल आर इंटेलिजेंट कि आपको कितना लिखना है और किस तरह से लिखना है ओके सो नाउ लेट सी द गोल्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ओके okay, सो so सबसे पहला है गोल क्या था टू आइडेंटिफाई ऑल यानी अप्रोक्स ट्वेंटी थाउजेंड टू ट्वेंटी फाइव थाउजेंड जींस इन ह्यूमन डीएनए तो पहला तो गोल ये था कि पता करना है कि कितने जीन्स प्रेजेंट है डीएनए में अराउंड और उसका फंक्शन वगैरह क्या है सारी डिटेल यानी हमारे डीएनए में जितनी भी डिटेल्स है सीक्वेंस है किस तरह की है कैसी है कितने जीन्स है उनका क्या फंक्शन है ये सारी इंफॉर्मेशन गैदर करना इस प्रोजेक्ट का काम था तो पहला पॉइंट ये हो गया दूसरा पॉइंट है डिटरमाइन द सीक्वेंसेस ऑफ द थ्री बिलियन केमिकल बेस पेयर्स दैट मेक अप ह्यूमन डीएनए फिर सेकंड था कि टोटल सिक्वेंसिंग करना डीएनए की यानी सबसे पहली न्यूक्लियोटाइड कौन सी है वहां से लेके थ्री बिलियन न्यूक्लियोटाइड में से लास्ट कौन सी है तो यानी ईच एंड एवरी न्यूक्लियोटाइड को स्टडी करना था कि किस तरह की ये सीक्वेंस है ठीक है थ्री बिलियन न्यूक्लियोटाइड है हमें ये पता है तो अभी थ्री बिलियन यानी वो कौन से सी सीक्वेंस में आती पहले ए आर आई टी आर आई जी आर आई क्या आ रहा है तो वो पूरा लाइन में थ्री बिलियन बेस पेर को चेक करना कि कौन से सी सीक्वेंस में ये डीएनए में प्रेजेंट है ठीक है तो सेकंड पॉइंट ये हो गया थर्ड है स्टोर दिस इन्फॉर्मेशन इन डेटा बेसिस तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि इन्फॉर्मेशन हम बुक में नहीं लिख सकते हैं तो उसको स्टोर भी तो करनी क्योंकि एक बार पता कर लिया हमने फिर वो वापस तो काम आनी चाहिए क्योंकि इतना बड़ा इतना खर्चा है नाइन बिलियन यूएस डॉलर का वो बार बार थोड़ी हो सकता है एक ही बार हुआ वो तो ये अभी जो फिर इन्फॉर्मेशन मिली जो पता चला रिसर्च के थ्रू उसको स्टोर करना कहीं पर ताकि फ्यूचर जनरेशन है वो उसको यूज करके आगे बढ़ पाए अपने रिसर्च में तो डेटा बेजिस डेवलप करना और उसमें ये सारी इंफॉर्मेशन है वो स्टोर करना ये गोल था फिर फोर्थ इम्प्रूव टूल्स फॉर द डेटा एनालिसिस देन अभी सीधी सी बात है कि ये सारी एक्सपेरिमेंट uh, के लिए चेक करने के लिए सिक्वेंसिंग के लिए इंस्ट्रूमेंट भी तो बहुत लगते हैं है ना सारा मैन्युअली हाथ से पॉसिबल नहीं है फॉर अ ह्यूमन बी तो उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट टूल्स है उसको डेवलप करना उसकी एक्टिविटी है वो बढ़ाना तो ये साथ साथ इंस्ट्रूमेंटेशन भी देखो इस प्रोजेक्ट के साथ साथ बहुत सारी ब्रांचेस डेवलप हुई फिर टेक्नोलॉजी डेवलप हुई इंस्ट्रूमेंट बहुत सारे बने स्पेशली उसको लेके कि इस पूरे प्रोजेक्ट में जरूरत पड़ी उस हिसाब से इंस्ट्रूमेंट बने उसका भी इंप्रूवमेंट हुआ फंक्शन का तो बहुत सारी चीजें अच्छी हुई इस प्रोजेक्ट के साथ साथ फिफ्थ है ट्रांसफर रिलेटेड टेक्नोलॉजीज टू द अदर सेक्टर्स सच एज इंडस्ट्रीज फिर बहुत सारा जैसे कि आमदनी रोजगार भी मिला बहुत लोगों को इस प्रोजेक्ट के थ्रू क्योंकि बहुत इंस्ट्रूमेंटेशन की ज़रूरत पड़ी तो उसको बनाना पड़ा तो इंडस्ट्रीज को ऑर्डर्स दिए गए फिर उस पर वर्क हुआ टेक्नीशियंस की जरूरत पड़ी तो उनको भी पैसा मिला तो इस तरह से इंडस्ट्रीज वगैरह में भी डेवलपमेंट हुए केमिकल्स बहुत यूज हुए कुछ को मॉडिफाई किया गया तो उस हिसाब से बहुत सारी चीज़ें हैं वो इसके साथ साथ डेवलप हुई देन सिक्स है एड्रेस दल लीगल एंड सोशल इशूज दैट मे अराइज फ्रॉम द प्रोजेक्ट एंड द लास्ट कौन सी चीज ध्यान रखनी थी साइंटिस्ट को सबको कि एथिकल लीगल एंड सोशल इशूज तो ये भी कोई प्रॉब्लम ना हो यानी जैसे कि आपको बताइए बी ह्यूमन डी एन ए की सिक्वेंसिंग चेक कर रहे हैं तो उसके ऊपर जो एक्सपेरिमेंट हुए उसके लिए एनिमल मॉडल्स वगैरह यूज किए जाते हैं राइट तो किसी को भी नुकसान ना हो तकलीफ ना हो ये एनवायरमेंटल पॉल्यूशन ना हो कुछ भी इलीगल ना हो कुछ भी एथिक्स के बाहर ना हो तो इन सब चीजों का भी उनको इस प्रोजेक्ट के साथ साथ ध्यान रखना था तो इन सारी चीजों को ओवरकम करना ये गोल था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का कि इन्फॉर्मेशन तो लेनी ही थी बट साथ साथ ऐसा कुछ ना हो कि जो कि इलीगल हो जाए ठीक है तो डॉक्यूमेंटेशन वर्क भी पूरा होना चाहिए क्योंकि ऐसे ही ये एक पूरा रिस्पॉन्सिबल बायोलॉजिकल साइंस ऑलवेज इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी राइट आप कुछ भी कभी भी ऐसे बिना मतलब के बिना सबूतों के साथ आप बोल नहीं सकते हो कि डीएनए की यही सीक्वेंस है ये हम नहीं कह सकते उसके लिए फुल प्रूफ चाहिए फुल डॉक्यूमेंटेशन चाहिए राइट right? तो ये सारा भी रिकॉर्ड मेंटेन करना ये खास एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था इस प्रोजेक्ट का क्योंकि ऐसे कोई साइंटिस्ट नहीं कह सकते कि डीएनए की इस तरह की सीक्वेंस है कैसे पता चली किस तरह से पता चली क्या क्या चीजें यूज की गई राइट right? उसका वैलिडेशन होता है ऐसा नहीं कि एक बार में चेक किया और जो पता चला वही सही है तो इसके ट्रायल एंड एरर्स होते हैं तो बहुत सारे बार रिपीट किया जाता है सेम एक्सपेरिमेंट को तभी अगर एक ही मानो रिजल्ट मिलता है देन जाके ये प्रूव होता है कि हाँ ये सही रिजल्ट है एक बार में कोई आंसर आ गया तो उसको सही नहीं माना जाता मोस्टली बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स में थ्री टाइम्स होते हैं ट्रायल एंड एरर्स तीन बार सेम एक्सपेरिमेंट है वो रिपीट किया जाता है अगर सेम रिजल्ट आ रहे है या तो पॉइंट में कुछ वेरिएशन है अदरवाइज सेम रिजल्ट बट एक बार कुछ और रिजल्ट आ रहा है सेकेंड टाइम कुछ और आ रहा है थर्ड थर्ड टाइम कुछ और आ रहा है तो इसका मतलब ये गलत है ठीक है तो वो काउंट नहीं किया जाता है सो so, ऐसी चीजें होती है तो ये सारी चीजों को ध्यान रखना डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर करना एथिक्स को ध्यान में रखना और लीगली वर्क हो ये सारी चीजों को ध्यान रखना भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी इस प्रोजेक्ट की ओके okay? the human genome project was a 13 year project coordinated by the us department of energy and the national institute of health to ye pura project hai uski time limitation duration thi 13 year ki aur shuru mein in dono इंस्टीट्यूशन ने हेल्प किया था इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने में फंडिंग्स वगैरह के लिए रिसर्च के लिए देन आफ्टर ड्यूरिंग द अर्ली इन ऑफ ह्यूम जीनम प्रोजेक्ट द वेलकम ट्रस्ट जो कि यूके का है मेजर पार्टनर एडिशनल कॉन्ट्रीब्यूशन स्कीम फ्रॉम द जापान फ्रांस जर्मनी चाइना एंड मेनी मोर अदर कंट्रीज तो शुरू में यूके में से यानी यूके का जो वेलकम ट्रस्ट है उससे फंडिंग आया <coughs> फिर जाके बहुत सारे कंट्रीज ने कंट्रीब्यूट किया अपना अपना फंड है फिर अब उन लोगों के साइंटिस्ट भी वर्क कर रहे थे तो ये पूरा एक ग्लोबली एक ग्लोबल प्रोजेक्ट जिसको हम बोल सकते हैं ऐसा मेगा प्रोजेक्ट था जिसमें बहुत सारे कंट्रीज ने इकोनॉमिकली एज वेल एज रिसर्चर्स सबकी हेल्प से इस प्रोजेक्ट को पूरा किया गया द प्रोजेक्ट वॉज कंप्लीटेड इन टू थाउजेंड एंड थ्री मैनी नॉन ह्यूमन मॉडल ऑर्गेनिज्म सच इज

मॉडल्स है वो यूज करने पड़ते हैं क्योंकि जो ह्यूमन का क्योंकि ह्यूमन पे तो एक्सपेरिमेंट कर नहीं सकते तो उसके लिए एनिमल मॉडल्स यूज होते हैं जैसे कि रेट है फिर मंकीज है एक्सेट्रा येस्ट बैक्टीरिया इकोलाई फिर रोसोफीला तो इस तरह से इन सब का भी फिर सिक्वेंसिंग हुई साथ साथ क्योंकि उसमें भी अगर हमें उनकी सिक्वेंस क्या है वो पता चले तो हम जो इंसर्ट की हुई है सिक्वेंस उससे क्या फर्क पड़ा वो पता चलेगा ना तो ये जो भी एनिमल मॉडल्स यूज कर रहे हम एक्सपेरिमेंट में पहले तो हमें उसके बारे में तो पता होना चाहिए हंड्रेड परसेंट देन आफ्टर वी कैन इंसर्ट समर न्यू थिंग्स एंड देन वी कैन चेक दैट वट आर द डिफरेंसिस बिटवीन द नॉर्मल सीक्वेंस एंड द इंसर्टेड सिक्वेंस राइट तो इसकी वजह से इन सारे एनिमल्स की भी सिक्वेंसिंग हुई उनके बारे में भी डिटेलिंग में पता चला उनके जीनोम के बारे में भी तो इस तरह से ये प्रोजेक्ट है वो शुरू हुआ थर्टीन ईयर की टाइम ड्यूरेशन थी और खत्म हुआ टू थाउजेंड एंड थ्री में वो स्टार्ट हुआ था इन 1990 में ठीक है नाउ मैथडोलॉजिस्ट सो थर्ड सब टॉपिक और आज के लेक्चर का लास्ट सब टॉपिक मेथडोलॉजिस्ट तो अब कौन कौन सी टेक्निक्स है वो यूज की गई इस प्रोजेक्ट को खत्म करने के लिए और वी कैन द स्टडी करने के लिए द मेथड्स इन्वॉल्व टू मेजर अप्रोचेस सी टू मेजर अप्रोचेस ठीक है नॉट ओनली टू बहुत सारे अप्रोचेस थे बट ये दो मेजर थे तो वही हम डिस्कस करेंगे क्योंकि आपकी टेक्स्ट बुक में उतनी इन्फॉर्मेशन है एज पर योर ट्वेल्थ स्टैंडर्ड नॉलेज आपको इतनी डिटेलिंग में ज्यादा टेक्निक्स है वो नहीं देखनी है वो आप हायर स्टडीज में पढ़ोगे ठीक है <coughs> पहला है एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टेक्स जिसको शॉर्ट में ये बोलते हैं सो इट इज यूज टू आइडेंटिफाई ऑल द जीन्स दैट एक्सप्रेस्ड एज आर इसका क्या मतलब तो इसमें ये चेक किया गया कि कौन कौन से जीन से वो फंक्शनल है क्योंकि फंक्शनल है वो काम कर रहे तभी उसमें से RNA बनेगा और तभी फिर RNA में से प्रोटीन बनेगा कुछ कुछ क्योंकि ऐसे भी सीक्वेंस है डीएनए में जो कि सिर्फ है न्यूक्लियोटाइड है उसका कुछ काम नहीं है बट वो है ठीक है वो कोई फंक्शन प्ले नहीं करती है यानी उसका कोई रोल नहीं है ना ही वो ऐसा जीन्स की तरह एक्ट करती है तो जितने भी जीन्स यानी फंक्शनल सिक्वेंस है जिसमें से आर बन रहे हैं, उसको आइडेंटिफाई करना पहला तो काम ये था जो कि किया गया ESTS की मदद से अब किस तरह से कौन से केमिकल ये इतनी डिटेल में इस टेक्निक पे आपको नहीं जाना है सिर्फ इतना याद रखना है कि टेक्निक के थ्रू आइडेंटिफाई किया गया जीन्स को जो कि आर में एक्सप्रेस हो रहे थे ओके okay? सेकंड था सीक्वेंस एनोटेशन द ब्लाइंड अप्रोच ऑफ सिंपली सिक्वेंसिंग द होल सेट ऑफ जीनोम दंटेन ऑल द कोडिंग एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंस एंड लेटर असाइनिंग डिफरेंट रीज इन द सीक्वेंस विद्क्शंस फिर सेकेंड क्या था इन सिक्वेंस एनोटेशन जिसको बोलते हैं उसमें क्या किया गया पूरी सिक्वेंसिंग करनी डी यानी कि यानी फर्स्ट से लेके स्टार्ट से लेके एंड तक जिसमें कोडिंग रीजन भी आ जाते हैं जो की फंक्शनल है और नॉन कोडिंग रीजन्स भी आ जाते हैं जो की नॉन फंक्शनल है जिसमें से कुछ बनता नहीं है और फिर इन सबको एक साथ गैदर करना तो ये सिक्वेंस एनोटेशन में किया गया और क्या क्या चीजें की गई और किस तरह से पूरी सिक्वेंसिंग की गई सो फॉर सिक्वेंसिंग द टोटल डीएनए फ्रॉम अ सेल इज आइसोलेटेड एंड कन्वर्टेड इन टू रेंडम फ्रेगमेंट ऑफ रिलेटिवली स्मॉलर साइजेस एंड क्लॉन्ट इन सूटेबल होस्ट यूजिंग स्पेशलाइज वेक्टर्स तो अब क्या किया गया डीएनए की सीक्वेंसिंग करने के लिए डीएनए को कट करना पड़ता है टुकड़े करने पड़ते हैं उसके क्योंकि बहुत बड़ा ह्यूमन डीएनए बहुत ही बड़ा है साइज में उसको एक साथ नहीं स्टडी किया जा सकता यानी उसके रेंडम छोटे छोटे टुकड़े किए गए ठीक है फिर अब जैसे कि इसको शॉर्ट टुकड़ों में बांटा गया फिर इनको क्या किया गया होस्ट में यानी किसी सेल में जैसे कि बैक्टीरिया में तो इकोलाइ फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया है तो इस तरह से किसी होस्ट में वेक्टर्स के थ्रू इंसर्ट किया गया इन टुकड़ों को क्यों ऐसा किया तो ये वैसे टेक्निक आप लोग वेक्टर्स होस्ट बायो 11, 12, होस्ट बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर नंबर उसमें पढ़ोगे ये क्या क्या होते है, वेक्टर क्या होते हैं हैं वेक्टर किस तरह से फंक्शन प्ले करते हैं इधर हम उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे तो इसको डीएनए के छोटे छोटे टुकड़ों को होस्ट में इंसर्ट किया गया किसके थ्रू वेक्टर्स के थ्रू अब ऐसा क्यों किया तो सीक्वेंसिंग चेक करने के लिए जैसे कि अभी आपको पता ही है ये डीएनए है तो हमें थोड़ी दिखता है 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 ना सेल भी नहीं दिखता है, तो उसके अंदर न्यूक्लियस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोजोम और क्रोमोजोंस के अंदर डीएनए है तो वो कैसे दिखेगा तो उसकी सिक्वेंसिंग करनी इतनी आसान नहीं होती है तो इसलिए इन लोग इन सबको पहले तो टुकड़ों में बांटा गया फिर ये वेक्टर्स के थ्रू हॉस्ट के अंदर उसकी सिक्वेंसिंग इंसर्ट की गई फिर इन सिक्वेंसिंग को दो गुना चार गुना बढ़ा के यानी जैसे कि आपको पता है बैक्टीरिया है वो डबल होते हैं है ना थोड़े ही टाइम में फिर दो से चार चार से आठ तो इस तरह से तो उसके अंदर की जो सिक्वेंस हमने इंसर्ट की है छोटा टुकड़ा डीएनए का वो भी कॉपी होता रहेगा बार बार तो उसकी मदद से पीसीआर वगैरह टेक्निक्स के थ्रू पता किया गया कि कौन सी सिक्वेंस है ठीक है वो अभी डिटेलिंग में नहीं जाएंगे हम उसकी टेक्निक में इधर सो द क्लोनिंग यानी टुकड़ों को इंसर्ट करते हैं हम वेक्टर्स के थ्रू उसको उसको बोलते हैं क्लोनिंग फिकेशन so यानी बढ़ जाना टुकड़ो का कॉपी हो जाना ऑफ इच पीस ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट सो दब सिक्वेंटली कुड बी सिक्वेंस्ड विथ ईस तो अच्छे से सिक्वेंस हो पाए इसीलिए इनको वेक्टर्स के थ्रू होस्ट में इंसर्ट किया जाता है इन टुकड़ो को और ऐसा क्यों करना पड़ा क्योंकि ह्यूमन डीएनए है वो बहुत ही बड़ा है एक साथ पूरा डीएनए भी इंसर्ट नहीं हो सकता है और ना ही स्टडी हो सकता है तो इसलिए उनको कंपलसरी सकते हैं होस्ट में ठीक है द कॉमनली यूज होस्ट वेथ बैक्टीरिया एंड यिस्ट मोस्ट कॉमन होस्ट कौन से होते हैं बैक्टीरिया होते हैं और यस्ट होती है और वेक्टर्स कौन से होते हैं जिसके थ्रू हम होस्ट में इंसर्ट करते हैं इन टुकड़ों को

कैसे होते हैं किस तरह के वेक्टर्स होते हैं ये सारी डिटेल आप बायोटेक्नोलॉजी के चैप्टर नंबर इलेवन एंड ट्वेल्व में पढ़ चुके होंगे या तो अभी पढ़ोगे ठीक है तो वो वहां पर डिस्कशन होगा इधर इस चैप्टर में नहीं द फ्रेगमेंड यूजिंग ऑटोमेटेड डीएनए दैट वर्कड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अ मेथड डेवलप बाय फ्रेडरिक सेंगर अब Post में इन टुकड़ों को एंटर कराने के बाद उसकी सिक्वेंसिंग की गई विदनी टेक्निक और वो टेक्निक किसके किसके बेस थी किस के प्रिंसिपल के बेस पे थी तो सेंगर साइंटिस्ट जो है उन्होंने जो प्रिंसिपल दिए थे उसके बेसिस पे टेक्निक से वो डेवलप की गई और उस टेक्निक के थ्रू इन टुकड़ों को सिक्वेंसिंग किया गया ठीक है सेंगर इज अ सेम साइंटिस्ट क्रेडिटेड फॉर डेवलपिंग मेथड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ अमाइनो एसिड सीक्वेंसिंग प्रोटीन ये सेंगर वही साइंटिस्ट है जिनको प्रोटीन यानी प्रोटीन एसिड से बनाए तो अमाइनो एसिड की सीक्वेंसिंग के लिए भी उनको अवार्ड मिले थे सेंगर को अब उनकी ही वही टेक्निक से वो यूज की गई डीएनए की सीक्वेंसिंग करने के लिए भी सेंगर्स टेक्निक जिसको बोलते हैं ठीक है दिस सीक्वेंस इज वेर देन अरेन्ज based on some overlapping regions present in them and this sequences was humanly not possible therefore specialized computer based program were developed obviously just like maine shuru mein hi bataya aapko ki fir itni badi sequence hai usko decide kiya gaya ki kaun se baat कौन सी आती है तो हर एक टुकड़ों को पहले तो अलग से छोटे छोटे टुकड़ों को sequencing किया गया फिर हर एक टुकड़ों को जोड़ के पूरी कंप्लीट सिक्वेंस बनाई गई तो ये सारी चीजें ह्यूमनली नॉट पॉसिबल तो उसके लिए डेटा बेस है वो डेवलप किए गए कंप्यूटर प्रोग्राम से वो डेवलप किए गए एंड विद द हेल्प ऑफ दैट कंप्यूटर ये पूरी सीक्वेंस है उसको जोड़ दिया गया यानी सारे टुकड़ों को फिर एक साथ जोड़ के पूरा डीएनए है वो आइडेंटिफाई किया गया कि शुरू से लेके एंड तक किस तरह की सीक्वेंस थी सो दिस सीक्वेंस देन वेर सब सिक्वेंटली अनोटेटेड एंड वेयर असाइंड टू ईच क्रोमोजो और फिर पता किया गया कि कौन से क्रोमोजोम के अंदर किस तरह की प्रेजेंट होती है तो फिर एनोटेशन डी कोड किया दूसरी कोई सिक्वेंस है वो दूसरे क्रोमोजोम में है तो इस तरह से एनोटेशन हुआ और असाइन किया गया हर एक क्रोमोजोम में सीक्वेंसिंग को ठीक है तो सिक्वेंस ऑफ क्रोमोजोम वन वॉज कंप्लीटेड ओनली इन मे 2006 थाउजेंड एंड सिक्स सो दिस वॉज द लास्ट ऑफ द ट्वेंटी फोर ह्यूमन क्रोमोजोमी टू प्लस वाई क्रोमोजोम तो इन सब में इन सब सबकी सिक्वेंसिंग में सबसे लास्ट था क्रोमोजोम वन जिसकी सिक्वेंसिंग कंप्लीट हुई टू थाउजेंड सिक्स में ठीक है अनदर चैलेंजिंग टास्क वॉर्स असाइनिंग अ जेनेटिक एंड फिजिकल मैप्स ऑन द जीनोम this was generated using information on polymorphism in restriction endonucleases जिसको r ही बोलते हैं शॉर्ट में recognition sites and some repetitive dna sequence known as microsatellites फिर अभी पूरा मैप बनाना था ठीक है हर एक क्रोमोसोम का कि कितनी सीक्वेंस होती है वो फंक्शनल है कितनी नॉन फंक्शनल है फंक्शनल है तो वो क्या फंक्शन प्ले करती है किस तरह से ये रोल अपना प्ले करती है जिसमें यूज किया गया आरई को रेस्ट्रिक्शन तो ये आरई पूरा टॉपिक है आपका बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में 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 तो तो वो भी वहां पे आप डिटेल पढ़ोगे शॉर्ट बता दे रही ये ये क्या है रेस्ट्रिक्शन तो एक तरह से सीजर का, का काम करते हैं जैसे कि अभी हमने बोला ना कि डीएनए को कट करना है फ्रेगमेंट में तो कट मतलब कैसे करना है हाथ से खींच के थोड़ी तोड़ेंगे तो उसके लिए एक एंजाइम चाहिए होता है जिसको बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो कि जाके जैसे हम इस एंजाइम को डालते हैं डीएनए के कंटेंट में तो वो डीएनए को फ्रेगमेंट्स में तोड़ देता है ठीक है तो इसकी मदद से टुकड़े किए गए डीएनए के रिकॉग्निशन साइट को फाइंड करके और उसमें कुछ रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस है वो पता की गई जिसको बोलते हैं माइक्रोसेटेलाइट तो कंटिन्यूअस रिपीट होती रहती है सिक्वेंस कुछ होती है वो तो इन सबको आइडेंटिफाई किया गया अल्टीमेटली और वही एम था इस प्रोजेक्ट का कि कितनी सीक्वेंस है वो काम कर रही है कितनी नहीं कर रही कितनी है कितनी रिपीट है कितनी न्यू है तो इन सब चीजों को अल्टीमेटली विद द हेल्प ऑफ मेनी अदर टेक्निक्स आइडेंटिफाई किया गया ठीक है सो दिस इज ऑल फॉर द टू डेज लेक्चर इन नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू सी द अनदर टू सब टॉपिक्स ऑफ दिस सेम मेन टॉपिक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जिसमें अभी बाकी है हमारा एप्लीकेशन एंड द दलाइंट फीचर्स ठीक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे आज के लिए इतना ही तो दिस इज द पार्ट वन ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इन नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस पार्ट टू ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ओके और ये आपको क्वेश्चन से पूछे जाएंगे तो या तो पूरा फुल लेंथ क्वेश्चन या तो आपको जो ये सब टॉपिक्स है वो अलग से टू और थ्री मार्क्स में पूछे जाते हैं एंड दिस इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट राइट मेगा प्रोजेक्ट था एक वर्ल्ड वाइड नॉट ओनली इन अ सिंगल कंट्री बट ये वर्ल्ड वाइड प्रोजेक्ट था जिसकी वजह से ही जैसे कि आप एप्लीकेशन देखोगे तो पता चलेगा कि उसकी वजह से आज हमें पता चल रहा है कि मेडिसिन किस तरह से बनानी है जेनेटिक डिस हम आइडेंटिफाई कर पाए हैं उसको क्योर कर पाए हैं तो ये सारी चीजें अभी इस प्रोजेक्ट के थ्रू ही डेवलप हुई है ठीक है थैंक यू